अल्हम्दुलिल्लाह साबिर कुंडरी भाई के पास हम आए हुए हैं अभी। और साबिर भाई कुंडरी के रहने वाले, कुंडरी के रहने वाले साबिर भाई के पास आए हुए हैं। और अभी एक जिस किसी को भी कहीं पे पूरे पाकिस्तान में वर्म का सिस्टम चाहिए, डायरेक्ट रास्ता देख के ऊपर पानी जोड़ा आगे भेज दे। बढ़ जाएगा, इसको स्पीड बढ़ाएंगे तो और बढ़ जाएगा। इसकी स्पीड पूरी है ना, फुली एडजस्ट, ये फुली एडजस्ट कर रहे हैं ना। आज जो है ना साबिर भाई के पास पहुंचे हम लोग। भाई तो मदद आठ घंटे की ड्राइव की है हमने कल, 8 घंटे ड्राइव, बल्कि यहाँ सॉरी 10 घंटे की ट्रैफिक की वजह से। उसके बाद हम रात को पहुंचे हैं, साबिर भाई ने हिम्मत की है बहुत। और अभी सुबह से जो है हमें ये नट बोल्ट और पता नहीं क्या क्या कह रहे सारे चीजें सीख लो। इसका भाई ये सीखना हमारा काम नहीं है, ये आप बनी बनाई चीज भेज दो बात खत्म। तो कह रहे नहीं सारी चीजें सीखो, सारी चीजें मेरे से करा रहे हैं। उधर आपसे प्रॉब्लम नहीं होगी ना कोई भी, आपसे सीख रहे हैं। 16 है 20 है ये 12 फिट जी वो आएगा, 10 इंची में जो पड़ा हुआ ना ये सामने आपको नजर आ रहा है। कितने जा रहे हैं जी? ये 16 फिट है ये जी, हम यहाँ से काउंट करते हैं, यहाँ से काउंट करते हैं, आगे वाला हिस्सा हम काउंट नहीं करते। जैसे वो उसमें जो 5 फिट लगा हुआ है ना, आगे वाला काउंट नहीं। अगर ये 12 और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आप देख रहे हैं इसके यूट्यूब चैनल। आज हम एक और यूनिट को चेक करेंगे BLDC मोटर के ऊपर। ये कुछ मेहमान हैं, कुछ हमारे दोस्त हैं जो सखर से आए हैं स्पेशली BLDC मोटर लेकर। बहादुर भाई भी साथ हैं, ये BLDC हम फिट कर रहे हैं। और लेकिन आपको इंशाल्लाह ओरिजिनल वॉइस हम सुनाएंगे इसी वीडियो के अंदर। ये थोड़ी सी मैं डबिंग इसलिए कर रहा हूँ कि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी, तो ये कुछ दोस्त मजाक भी कर रहे हैं, ये हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी तो आपको वॉइस कम समझ में आएगी। 12 पैनल हमने लगाए थे, ये देखें पैनल भी को प्रॉपर फिटिंग नहीं, ऊपर के ऊपर मिट्टी भी है, सारी चीज़ें हैं, तो ये 7 पैनल के ऊपर चल गई थी। तो ये बहादुर भाई के पास भी हम जाएंगे इंशाल्लाह, और बहादुर भाई भी आपसे बात ज़रूर करेंगे और आपको बताएंगे कि ये किस तरह कनेक्शन वगैरह कर रहे हैं। तो मैं स्टॉप करता हूँ अपनी आवाज़, तो अब जो भी होगा आपको ओरिजिनल वॉइस जो है वो बहादुर भाई ही बात। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह साबिर कुंडरी भाई के पास हम आए हुए हैं अभी। और भाई कुंडरी के रहने वाले, कुंडरी के रहने वाले साबिर भाई के पास आए हुए हैं। और अभी एक तक जो कनेक्शन कर रहे हैं BLDC मोटर के लिए, बर्फ जो इन्होंने बहुत बेहतरीन किस्म के जो पाकिस्तान पूरे में इंशाल्लाह सबके पास ये चीज़ पहुँचेगी, जिस जिस बंदे को बनना चाहिए। बहुत ही कम लोड अगर आप फीटर इंजन चलाना चाहें तो 7.5-7 HP की फीटर इंजन पे बहुत आसानी से इसको चला सकते हैं। और अभी हम इसको BLDC मोटर लगा के बहुत ही कम प्लेटों पे चलाएंगे साबिर भाई के साथ मिलके। किसी भी भाई को कहीं पे पूरे पाकिस्तान में चाहिए हमसे रब्ता कर सकता है, साबिर भाई का नंबर दिया हुआ है, उनके चैनल पर डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। तो फीटर इंजन पर चलाना हो, ट्रैक्टर पर चलाना हो, अगर फीटर इंजन ट्रैक्टर पर चलाएंगे तो ये बहुत ही कम ही चलेगा। बहुत शुक्रिया बहादुर भाई, बहुत शुक्रिया। ये आपने बहादुर भाई की आवाज़ सुनी, क्योंकि असल में क्या है कि डबिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा थी तो कई भाइयों को, कई कस्टमर्स को, कई जो हमारे चाहने वाले हैं उनको ये वॉइस शायद समझ में ना आए, तो मैं इसलिए डबिंग कर रहा हूँ बार बार। अब ये बहादुर भाई जो है फिटिंग कर रहे हैं, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी, हवा इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही थी कि मतलब कि कुछ समझ में नहीं आ रहा थी ना वॉइस, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। लेकिन बीच बीच में जो बहादुर भाई के जो ओरिजिनल वॉइस है, जो ओरिजिनल आवाज़ है, वो हमको ज़रूर सुनाएंगे ताकि आपको भी पता चले ना।
अब यहाँ से कुछ तेल वगैरह कुछ निकल रहा था, ऑयल वगैरह के छींटे पड़ रहे थे बहादुर भाई ने, तो ये इसको कवर किया और बहादुर भाई को इसके दौरान हल्की सी शॉट भी हुई सर्कट शॉट की वजह से। तो अब मैं अपनी वॉइस को बंद करता हूँ, यानी कि डबिंग रोकता हूँ, आप ओरिजिनल वीडियो की वॉइस के अंदर चले जाएंगे जहाँ पे मेरी, बहादुर भाई की और नूर मोहम्मद साहब की और दानिश भाई की जो भी बातचीत हुई आपको सुनाई देगी। अब ये स्टार्ट हो गया, अब आप देखिएगा ओरिजिनल, इसमें सुन लें कि बहादुर भाई के क्या कहना है और बहादुर भाई क्या कहना चाहते हैं, वो भी आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। आठ इंची का पंप है, BLDC मोटर के ऊपर चल रहा है और बहादुर भाई को जो करंट लगा वो भी आपको नजर आया। करंट लगने की वजह यही थी कि ये पैनल के नीचे पानी जा चुका था और पैनल के पानी जाने की वजह से जो है वो सर्किट जो है शॉर्ट हो गया। ये 8 इंची का पंप है जो 10 HP BLDC मोटर के ऊपर चल रहा है। पीछे हमें बंद इसलिए करना पड़ा था क्योंकि ये करंट लग रहा था बहादुर भाई को। अब बहादुर भाई खुद देखें क्या बताए। दोनों में पानी चला गया, खैर है आपको करंट लग रहा है, मोटर चल गई, खैर है। असल में बहादुर भाई कह रहे थे कि प्रॉपर इसको फिटिंग करें, जो कनेक्शन वगैरह रहते हैं उसको टेप वगैरह करनी वो भी कर लें, और ये जो इसके साथ जो इन्वर्टर वगैरह जो भी वो लगा रहे हैं वो देखें लगा रहे हैं। ये लड़का बार बार देखें, इतनी मिट्टी चल रही है कि पूरे पैनल जो है वो मिट्टी के साथ भरे हुए हैं और प्रॉपर फिटिंग नहीं है। पैनल को वो डिग्री भी नहीं दी गई जिस डिग्री के ऊपर पैनल को होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये 10 HP की BLDC मोटर इसको आराम से चलाती है। लेकिन ये कुछ मसला था जहाँ से ये पैनल के नीचे पानी गया, सर्किट शॉर्ट हुआ, और अभी कोई डिमर वगैरह लगाते हैं बहादुर भाई जो इसको फिट कर रहे हैं, जिसके साथ इसी मोटर को जो है उसकी स्पीड कम या ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर हमने नीचे लकड़ी का गुटका रखा इसके अंदर, नीचे ये जो इन्वर्टर है इसको इन्वर्टर कहते हैं या क्या कहते हैं प्रॉपर मुझे नाम भूल गया, बहादुर भाई ने बताया भी था माजरा सबसे। और ये बहादुर भाई ने बहुत हेल्प की, बहादुर भाई ने हमें भी समझाया और बताया, अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर दे कि ये किस तरह फिट होता है, ये किस तरह ये लगता है। तो ये देखें आपके सामने, को प्रॉपर नहीं है, कोई टेप नहीं है, कुछ भी नहीं है, सर्किट शॉर्ट भी हुआ, सारे मामलात हुए। तो ये बहादुर भाई इसको जो इसके साथ जो है वो एक वो लगाते हैं जो इसके डिमर कह लें या डिमर टाइप है, जो इसकी स्पीड जो है वो कम या ज़्यादा करता है। मोटर को जितनी स्पीड पे आपने चलाना है वो उसको आप चला सकते हैं। मैंने कैमरा भी इसीलिए अभी आप वीडियो के अंदर देखा, साफ़ किया, क्योंकि मिट्टी के साथ बिल्कुल भर जाता था मोबाइल भी। बहुत ज़्यादा तेज़ हवा थी और हवा तेज़ होने की वजह से मिट्टी उड़ रही थी, और मिट्टी जो है वो इतनी तेज़ थी कि देखें आपने देखा पैनल भी जो हमें बार बार साफ़ करने पड़ रहे थे। और वजह यही थी कि हवा जो है, डबिंग करने की भी वजह यही है कि आपको वॉइस जो है वो ओरिजिनल जो है इसकी समझ बहुत कम आएगी। तो अब जो है वो बहादुर भाई जो है वो डिमर वगैरह लगा रहे हैं, डिमर वगैरह जैसे लगता है, लगाने के बाद फिर जब चलाएंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह ओरिजिनल वॉइस की ऊपर, जो इसकी वॉइस है पंखे की, उसी के ऊपर चले जाएंगे। तो अब ये स्टार्ट करेंगे बहादुर भाई, तो मैं अपनी वॉइस को जो है बंद करता हूँ, तो ओरिजिनल पर जाते हैं इंशाल्लाह। ले
चाचा भाई हम लगा रहे हैं, एक मिनट भाई आए हमारे दोस्त हैं भाई हैं हमारे, ये सखन से आए सारा सिस्टम लेके, तो हम ये VFD लगा के ये मोटर लगा के PLDC ये लगा के सारा सिस्टम पंप मतलब चला के दिखा रहे हैं इनको, उसके बाद इंशाल्लाह फिर मजीद आगे चलेंगे इंशाल्लाह। बादर भाई अभी चालू करेंगे, ठीक है जी बिस्मिल्लाह करें इंशाल्लाह। बहादुर भाई वही बढ़ाए इसके RPM जितने बढ़ाने जी, मैं करीब आ रहा हूँ। हाँ जी, अब जो BLDC मोटर है ना हमारी, ऐसे समझ लें कि चल ही नहीं रही है, इस पर कोई लोड नहीं है किसी तरह का, बिल्कुल स्मूथ थोड़े से एम्पेयर पे चल रही है। उसकी वजह यह है कि कितने एम्पेयर ले रही है अभी, ये 36 एम्पेयर पे अभी चल रही है, सिर्फ 36 एम्पेयर, इसका मतलब कि 8 प्लेटें लगा के आप इसको प्रॉपरली इससे इतना पानी इससे भी अच्छा ले सकते हैं, यानी कि 12 प्लेटों की जगह 8 प्लेटों की जरूरत नहीं है, ना 9 की ना 10 की ना 11 की, सिर्फ और सिर्फ 8 प्लेटों पे हमारी गारंटी है। साबिर भाई भी गारंटी दे देंगे, जिस किसी को पूरे पाकिस्तान में लगानी है ना मैं अपने से दिखा इसके, समझ लें ये जीरो पे चल रही है। यार मैं वीडियो में आ नहीं रहा क्योंकि बना और ये चला के हमें दिखा रहे हैं, कंपनी वालों के लिए ये नया सिस्टम है, ये याद रखेंगे। ये साबर भाई ने मन बनाया है, ये हमारे साबर भाई हैं और राशिद भाई हैं, जिस किसी को भी कहीं पे पूरे पाकिस्तान में वरम का सिस्टम चाहिए डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। इनका नंबर हम स्क्रीन पे डाल रहे हैं, प्रेशर आपके सामने, ज़रा प्रेशर दिखा दो। ये देखें आपके सामने का पानी बहुत जबरदस्त फ्लो, ये देखें तकरीबन ये 1 फुट से ऊपर पानी जो है आगे फेंक रही है, प्रॉपर हमारी इंस्टॉलेशन नहीं है ये, इसके RPM प्रेशर से भी बढ़ता है, इससे बढ़ जाएगा इसको स्पीड बढ़ाएंगे तो और बढ़ जाएगा। कर देते हैं कि जी आप हमेशा कहते हैं इसकी स्पीड पूरी है ना, पुली एडजस्ट, ये पुली एडजस्ट कर रहे हैं ना, पुली उस पर ज्यादा प्रेशर दे रहा था अगले वाली पे ना, जी जी अगले वाली, इसके ऊपर और बड़ी पुली लगा और बड़ी पुली, ये भी प्रेशर, ये मोटर छोटी चल रही है नॉर्मल नहीं है, आप देख रहे हैं ये 12 फुट से सेक्शन करके ला रहा है ना नीचे से, और पीछे पानी के अंदर वो थोड़ा सा ये अभी साबिर भाई बताएंगे कि पानी पाइप में कितना डूबा हुआ है। ये आपने बेसिक पंप चलता हुआ देख लिया, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रेशर है। ये 3 पुलियां लगी हुई हैं, 4 की 5 की और 6 की, हमने इसको 6-6 पे करके चलाया, लेकिन मैं नीचे उतरा था सिर्फ यही दिखाने के लिए, नूर भाई वीडियो बना रहे थे कि ये पंप जो है 12 फीट की हाइट के अंदर पानी के अंदर डिप कितना है। अब आप देख रहे हैं बमुश्किल तकरीबन 6 से 7 इंच है, तो बाद वो कह रहे थे 1 फिट, मैंने कहा नहीं 1 फिट से भी कम है, अब आप देख लें 1 फिट से भी कम पानी के अंदर है ये, लेकिन फिर भी इसकी परफॉर्मेंस जो है BLDC मोटर के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। चलिए जी, वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।